हाँ भी दोस्तों अज फिर सानू पहुंचे हैं लैके सिंगो मंडी के जो कि सानू पहला भी दस्या हर शुक्रवार इतने प्रबंधक वालों बकरे बकरिया की जो बीटल बरबरी होर कई प्रकार के देसी बकरिया बकरे ते कुत्ते होर कई प्रकार के जानवर जो इतने आते हैं तो सानू इतने प्रबंधक नाल भी गल कराने गए तो इतने चाह पानी के जो लंगर ने वो भी प्रबंधक वालों लाए गए हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी देखद हुए इतने पानी के बहुत बड़े प्रबंध किए गए जिथे इन्होंने टुली पंप लाए हुए हैं वो ही इन्होंने आर ओ का पानी भी प्रबंध किया हो बहुत वधिया प्रबंधकों ने प्रबंध किए हुए पानी के हर एक चीज़ के असं खाण पीन के तो जोड़े वीर बहरों आदि दूर नेड़े आते हैं बकरे बकरियां लैके अपने खरीदारी करना कोई इतने वेचन आता उन्होंने वास्ते बहुत वधिया प्रबंध वालों प्रबंध किए गए सू भी गलबात कराने प्रबंधकों तो आप उसको लैके चलते हैं मंडी के दिखाने हैं ये तलवंडी साबो तो सदूरगढ़ रोड के उत्ते उतों एक बहमण कौर सिंह छड़ दे बिल्कुल उपर है पट्ठे सामने पट्ठा इन्हों के इटा वाले पट्ठे के बिल्कुल नज़दीक हैगी तो तुम पहुँच सकते हो हर शुक्रवार इतने कोई तरीक नहीं रखी हुई प्रबंधकों ने इन्हें दसन मुताबक कि इतने हर शुक्रवार मंडी लाई जाती है महीने में चार बारी मंडी लगती है आओ सू कराने प्रबंधकों नाल गल करिए पूरी नायब सिंह भाई सत श्रीकाल सारा थोड़े चैनल का धन्यवाद बहुत बहुत छेवीं बार ला रहे इतने बीटल हो गया बरबरी अपना गुलाबी चमड़ी वाली एक नस्ल बाकी काटू माल हो सारे सारी तरह के आ जाते तकरीबन तकरीबन 35-40 पशु सेल हो जाते नवा जहा काम है हले 32 पशु सेल हो गए असि कहने भी आओ वध चढ़ के हौसला वधाई करना असि भी कहने उन्होंने भी मुनाफा होगा जो कोई बकरी ले पालक आवे वधिया सहायक धंधा है खेती के नाल नाल ये करना जरूरी है बंदे नूं सारा आप कल्ली खेती से निर्भर नहीं रहना चाहिए सहायक धंधा कोई भी अपनाओ कोई भी सहायक धंधा अपनाओ मस्सी पालन का हो गया होर कुछ भी जो भी अपना हैगा नाल कर सकता बंदा जिनी समर्थ है बंद कर सकता है सौखा है सस्ता है कोई ज़्यादा पैसा नहीं इनवैसटमेंट होंगे ये ज़्यादा मतलब थोड़े 10 to 15 हज़ार रुपये वधिया आपका काम चालू कर सकता अच्छ कल प्रबंध साडा बहुत वधिया जी असी टेंट का प्रबंध साडा हैगा पानी का हैगा चाह पानी का लंगर हैगा जी बकरियों पीण वास्ते स्पैशल इतने नलका वगैरह लग गया हुआ साडा पाए हुए साडे हाँ जी किन्ने पशु है जो जानवर इतने आ जाते तकरीबन 200-250 पशु आ जाता साढ़े को देख तुम देख भी सकते हो उ फीस वगैरह इतनी की है जी साड़ी कोई फीस नहीं बिके हुए पशु की फीस है 100 रुपया पिंड है कि रखते हैं पहला भी रखी 8 साल पहला बिजली छड़ता कम बीटल रखी हूँ बड़बड़ी रखते हैं 2 साल हर एक मंडी से जाने जी तुंगली भी जाने भागी बंदर भी जाने सिंगो मंडी लगन लग गई बहुत वधिया काम हो गया नेड़े सारे पिंडां नूं ये सहूलत हो गया सानू सिंगो ये बहुत आमदन वाली है जी वधिया दिहाड़ी बनती है जे बंदा कोई शौक ना पालदा इन्हां नूं कित्थों काम शुरू होए किन्ने पैसे तों शुरू कर सकदे हो ये शुरू पहला मैं 2 बकरियां तों करिया सी ये 10-20 लियांदियां इकट्ठियां फिर
फिर वो बेचतियां सी सारियां इकट्ठियां फोन करता तुहाडे मुताबिक कि 10 15 हजार नाल बंदा काम चला सकदा जी। ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੁੱਕੜ ਵੀ ਵਿਖਦੇ ਆ, ਕਤੂਰੇ ਵੀ ਵਿਖਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਵਿਕਦਾ, ਕੋਈ ਐਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਦਾ ਤੋੜ ਲਓ, ਕੁੱਤੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਤੂਰੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਸਵਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਿ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚ ਲੈਣ, ਮਤਲਬ ਪਾਲ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 30 ਪੱਠੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਖੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਘਰੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਚੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਦਾ। ਰਾਸਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਛ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਲਕਾ ਨੁਲਕਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਈਆਂ ਛੱਤਾਂ ਸਰਕੜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੰਬੂ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਹਰੇਕ ਹੈ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ।